हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा, आज मैं आपको जो ये कोचिया के सीडलिंग की थी मैंने, ये देखिए तो काफ़ी अच्छे बेबी प्लांट हो गए हैं, तो मैं आज इन्हीं को रिपोर्ट करने जा रही हूँ, तो वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगर रिपोर्ट नहीं करूँगी तो इनकी ग्रोथ फिर रुक जाएगी, ज़्यादा अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएंगे, तो इनको अलग अलग गमलों में लगाना बहुत ही ज़रूरी है। और देखिए कुछ प्लांट मेरे बारिश की वजह से इधर के सारे ख़राब हो गए हैं, और जितने हैं मेरे लिए काफ़ी हैं जो भी हैं ये लगे हुए, तो मैं इन्हीं को रिपोर्ट करूँगी। तो उसके लिए मैंने ये मिट्टी ली है, ये देखिए, और बारिश की वजह से मिट्टी मेरी गीली हो चुकी है पूरी, तो मैंने सुखा कर जबकि रखा हुआ था इसको, और इसमें पहले से सैंड मिक्स है इस यानी मिट्टी में, और मैं थोड़ी सी सैंड इसमें और मिक्स कर रही हूँ। तो ये देखिए, ये लगभग हाफ हाफ पार्ट है, यानी इसमें सैंड और मिट्टी दोनों, क्योंकि जो पहले की मिट्टी है मेरी उसमें भी काफ़ी सारी सैंड मिक्स है, इसलिए मैं ज़्यादा भी नहीं मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए, और उसके बाद मैंने इसमें लिया है थोड़ा सा ये वर्मी कंपोस्ट, तो इसको मैं अभी क्योंकि छोटी छोटी बेबी प्लांट है तो मैं बहुत ज़्यादा इसमें ये फर्टिलाइजर नहीं ऐड करूँगी, तो बस इसको दो मुट्ठी मैं ले करके, ये देखिए ऐसे सिर्फ दो मुट्ठी बस इतना ही मिक्स कर रही हूँ अभी मैं, तो क्योंकि अभी इनके लिए मैंने जो ग्रो किया था सीडलिंग ग्रो की थी उसमें भी कंपोस्ट में ही ग्रो किया था, कंपोस्ट और कोको पीट में, तो इतना काफ़ी है। जब ये थोड़े प्लांट बड़े हो जाएंगे तो मैं दूसरे गमलों में जब इनको रिपोर्ट करूँगी तब अच्छे से इन्हें फर्टिलाइजर मिलाऊँगी, तो उसमें लगभग 20-30% गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट मिलाकर प्लांट को ऐड करूँगी, शिफ्ट करूँगी उसमें, और इसमें मैं थोड़ा सा ये फंगीसाइड पाउडर भी मिला लेती हूँ, ये मेरा सांप का फंगीसाइड पाउडर, मैं इसी का यूज करती हूँ अपने गार्डन में, और काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलता है मुझे इसका। तो अभी बारिशें भी बहुत हो रही हैं, इस वजह से कोई फंगस वगैरह ना लगे सीडलिंग को मेरे, तो इसलिए मैं ये देखिए मैंने इसको मिक्स कर लिया, और गमले का जो होल है उसके नीचे मैंने ये कुछ कंकड़ रख लिए हैं, ये देखिए होल में ऐसे मैंने 3-4 कंकड़ रख लिए हैं, और बस इसकी मिट्टी धर दूंगी मैं ऐसे, और यहाँ पे छोटा सा होल्स बना करके, ये देखिए आप जब भी प्लांट को निकालें तो थोड़ा मिट्टी लेकर अंदर से निकालें तो प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी रहेगी। और इस तरह से मैं इसको यहाँ पर रख कर, और आप जितने ज़्यादा बड़े गमले में इसको लगाएंगे उतनी ज़्यादा इसकी ग्रोथ होगी, तो आप इसको अच्छे बड़े गमले में लगाइए, लगभग 10-12 इंच के गमले में अगर आप लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं, बिल्कुल बॉल की शेप में बन जाता है, और पूरा ग्रीनरी जो हमारे समर में फ्लावर की कमी होती है उसको इसकी ग्रीनरी पूरा कर देती है, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं ये प्लांट। तो मैंने लास्ट ईयर भी बहुत सारे प्लांट इनके लगाए थे, और अभी भी मैं जितने भी मेरे प्लांट हैं इनको सबको मैं रिपोर्ट कर लूँगी। मैंने दो गमलों में सीडलिंग की थी लेकिन एक गमले में मेरे और भी है, तो उसको मैं पता नहीं देखती हूँ लगाऊंगी या नहीं, लेकिन ये वाले प्लांट मैं लगा लूँगी, काफ़ी अच्छे हेल्दी भी हो गए हैं ये। ये देखिए इस तरह से मैं एक प्लांट और निकाल के लगा लेती हूँ, इसमें कई प्लांट निकल आए हैं लेकिन मैं भी बस इतने ही लगाने वाली हूँ, ये देखिए, और इनको बस बहुत कुछ नहीं करना है, बस इनको थोड़ा सा हल्के हाथ से दबा देना है लगा करके, और जब इसमें ग्रोथ अच्छी हो जाएगी इस गमले के हिसाब से तो फिर मैं इसको थोड़ा बड़े गमले में लगा दूंगी, लगभग 8-10 इंच के गमले में लगा दूंगी, तो ये बहुत अच्छे ग्रोथ करेंगे, और बस रिपोटिंग के बाद हमको थोड़ा सा पानी दे देना है अपने प्लांट में। तो बस इस तरह से मैं सारे रिपोट कर लूँगी अपने प्लांट को, तो आप भी अभी कोचिया को जरूर ग्रो करिए अपने गार्डन में, अभी सीडलिंग का भी बहुत अच्छा टाइम है, आप सीडलिंग कर सकते हैं या फिर आप नर्सरी से भी इनको ला सकते हैं, बहुत अच्छा ग्रीन लुक देते हैं गार्डन को जो कि बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो
बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर और कमेंट भी करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।